हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पे। सो आज फिर से मैं आई हूँ एक नया रेसिपी के साथ में। आज आप लोगों को वीडियो में शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट एंड क्रिस्पी पालक परोठा। चलिए जानते हैं क्या है ये ऐसा सीक्रेट जो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और क्रिस्पी पालक परोठा का राज। सरिता किचन पे कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए और प्लीज मेरा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बेल आइकन को जाके ऑल को दबाना ना भूलिएगा। सो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं पालक परोठा का रेसिपी। ये बहुत ही ज्यादा नरम का साथ में क्रिस्पी भी बनता है, देखने में भी हरा भरा लगता है, खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट लगता है। आप इसको किसी भी दही या चटनी का साथ में सर्व कर सकते हो। और पालक परोठा बनाने के लिए सबसे पहले हमने फ्रेश पालक को धो के लिया है 150 ग्राम। आप अपना हिसाब से इसका क्वांटिटी कम या ज़्यादा ले सकते हो। अब हम गैस का ऊपर पेन को बिठाएंगे और ज़रूरत का हिसाब से पानी ऐड करेंगे। इतना ही ऐड करेंगे कि जितना में हमारा पालक डूब जाए, उससे ज़्यादा दवाइस नहीं लेंगे। सो ऐड कर देंगे पालक को। फ्लेम को हाई रखते हुए इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे हम। जैसे पलटी करते हुए 1 से 2 मिनट हो गया है और इसका कलर चेंज होना चालू हो गया, इसको हम निकाल देते हैं। बहुत ज़्यादा पकाएंगे नहीं, नहीं तो इसका कलर डाउन हो जाएगा। सो निकालेंगे एक बॉल में, ठंडा पानी का अंदर में ट्रांसलेशन कर देंगे और डुबो के रखेंगे थोड़ा देर, ठंडे होने देंगे। सो जैसे ही हमारा पालक ठंडा हो जाता है, उसको अच्छे से निचोड़ते हुए एक ग्राइंडर में ऐड करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे धनिया पत्ता को और ऐड करेंगे एक टुकड़ा अदरक को और ऐड करेंगे 4 से 5 हरी मिर्ची को, कम या ज़्यादा। अब इसको अच्छे से फाइन प्यूरी तैयार कर लेंगे। हमारा पालक का फाइन प्यूरी बनके रेडी है। सो हमने लिया है गेहूं का आटा। गेहूं का आटा 200 ग्राम लिया है वेट में और लेंगे हम 50 ग्राम बेसन को। आप आटा या बेसन का क्वांटिटी कम ज़्यादा अपना हिसाब से ले सकते हो, आपका ज़रूरत का हिसाब से। सो हम इसमें टेस्ट बढ़ाने के लिए ऐड कर देंगे 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर को, 1 टीस्पून चिल्ली पाउडर को, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर को और ऐड कर देंगे स्वाद हिसाब से नमक कम या ज़्यादा। सो ऐड कर देंगे 2 चम्मच बराबर रिफाइंड ऑयल को। रिफाइंड ऑयल का जगह में आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये सारा चीज़ों को मिलाते हुए अच्छे से हाथ से मसलते हुए पूरा आटे का अंदर में सारा मसाला को मिलाएंगे और ऐड कर देंगे पालक का फाइन प्यूरी। सो इसको भी अच्छे से आटा में मिलाते हुए आटा गुनना चालू कर देंगे। इसमें एक भी हम पानी ऐड नहीं करेंगे, पालक का प्यूरी से ही सारा आटा को हम डो तैयार करेंगे। मसल मसल के जितना अच्छे से आप मसलोगे, उतना ही अच्छा डो आपका तैयार होगा और फुला फुला खिला खिला पालक परोठा बन के रेडी होगा। सो डो हमारा तैयार हो चुका है, इसको अच्छे से मसलेंगे। थोड़ा सा ऑयल और ऐड करते हुए हमने इसको मसला है अच्छे से। 3 से 4 मिनट मसलते रहने के बाद हमारा डो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको हम सेट होने देंगे कम से कम 20 मिनट के लिए, ढक के रख देंगे। 20 मिनट हो चुका है, अब हमारा आटा सेट होके तैयार है। अब इसका हम लोइया बनाना चालू करेंगे। छोटा छोटा अपना हिसाब से लोइया इसी हिसाब का बनाएंगे, ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो ना बहुत ज़्यादा छोटा हो। सो अब बेलना स्टार्ट करेंगे। आप अपना हिसाब से इसका आकार देंगे। सबसे पहले हम आपको चोकर परोठा बना के दिखाएंगे। हमने छोटा 1-2 इंच का दूरी पे बेल के रेडी किया है और बीच में हमने ऑयल ग्रीस किया हाथों से और चारों बाजू से रोटी को थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए उल्टा कर लिया है। अब इसका ऊपर में हम थोड़ा थोड़ा सूखी आटा ऐड करते हुए कोना कोना से बेलना स्टार्ट करेंगे। ना ज़्यादा मोटा हो ना ज़्यादा पतला, ये हिसाब से आप इसका साइज छोटा बड़ा रख सकते हो।
सो इसी तरह हम सारा परोठा को रेडी करेंगे। ये तो हुआ चोकर परोठा जो आपको हमने बताया। अब आपको हम बताएंगे कि तीन कोना वाला परोठा का डिज़ाइन। इसी तरह आप कई डिज़ाइन के परोठा तैयार कर सकते हो, चाहे तीन कोना वाला हो, चाहे चार कोना वाला हो, या चाहे गोल टाइप का हो। इसी तरह आप बारी बारी से सारा परोठा को तैयार करें। सो इसी तरह बारी बारी से हमने सारा परोठा को रेडी कर लिया है। सो एक प्लेट में ले लिया है। सो अब इसको बारी बारी से हम सेकेंगे। सबसे पहले हम गैस को ऑन कर लेंगे और बिठा देंगे तावे को। तावा हमेशा आप जब भी परोठा बनाओ लोहे का ही तावे इस्तेमाल करो, क्योंकि लोहे का तावे में परोठा काफ़ी अच्छा से सिकता है। सो नॉन स्टिक के तावा का इस्तेमाल ना करें जब भी परोठा बनाना हो आपको। सो ऐड कर देंगे परोठा को। सो हल्का हल्का ऑयल ऐड करते हुए हम परोठा को सेकेंगे। आप ऑयल का जगह में घी का इस्तेमाल करते हुए भी सेक सकते हो। सो जैसे हल्का हल्का ऑयल ऐड कर दिया हमने, चम्मच से हम इसको दबा दबा के सेकेंगे। जितना अच्छे से आप दबा दबा के सेकोगे उतनी ही खिली खिली हमारे परोठा ब्राउन और क्रिस्पी होते जाएंगे और अच्छे से मुलायम बनेंगे। और इस टाइम हम गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। सो लगातार एक मिनट का अंदर पलटी करते हुए इसको दबा दबा के अच्छे से सेके ताकि अच्छे से पक जाए। एक से डेढ़ मिनट का बाद हमारा परोठा बनके एकदम रेडी है। ब्राउन ये अंदर से भी अच्छे से पक चुका है। और ऐसे ही करके दोबारा दूसरे परोठा को भी हम ऐड कर देंगे तावे में। इसी तरह से ऑल ऐड करते हुए हम पलट पलट के इसको भी सेकेंगे दबा दबा के साइड से अच्छे से, ताकि ये अच्छे से पक जाए अंदर तक। इसी तरह सारा परोठे को हम सेकेंगे वन बाई वन। सो हमारा परोठा अच्छे से सिक चुका है, हमने इसको निकाल दिया है। सो सर्व करेंगे प्लेट में दही का साथ। आप दही का अलावा लाल चटनी या हरी चटनी का भी यूज़ कर सकते हो। सो ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब लगता है। गरम गरम परोठा और ठंडी ठंडी दही का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आया हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।